मैं मनीषा जौहरी कुकेरिया चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है नारियल के लड्डू। ये नारियल के लड्डू हमने बिना मावे के तैयार किए हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। लीजिए इसकी सामग्री नोट कीजिए। नारियल का बारीक बूरा, शक्कर, चारोली, इलायची, काजू, दूध। हम इसमें किसी भी प्रकार का मावा यूज नहीं कर रहे हैं। आपको 1 लीटर दूध को इतना बॉईल करना है कि इसका 200 ग्राम रह जाए। अब हम आपको इसकी बनाने की विधि बताते हैं। अब ये दूध हम बॉईल होने के लिए गैस पे रख देते हैं। अब इस दूध को जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता तब तक हम इसमें शक्कर नहीं डालेंगे। लगभग आधा घंटा हो चुका है। यह दूध देखिए हमारा किस प्रकार रबड़ी की तरह हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। इसमें हम यह खोपरे का बूरा, तिल का जो बूरा है, हम इसमें डाल लेंगे। और इसमें सभी आप ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, काजू, चारोली, इलायची पाउडर। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा नारियल का बूरा पहले से ही बचा के रखना है ताकि आप जब लड्डू बना लें उसके बाद आपको इसमें सूखे नारियल के बूरे में आपको उसे रोल करना है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। रखना है कि जो आपकी जो रबड़ी, दूध की जो रबड़ी बनके तैयार हुई है वो बिल्कुल ठंडी हो। ये देखिए, ये इस प्रकार से पूरा मिश्रण को आप मिक्स कर लीजिए और आप इसके अलावा छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिए। इस प्रकार से इन तैयार लड्डू को आप इस प्रकार से खोपरे के नारियल के बूरे पर रोल कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, ये हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से आप सभी लड्डू बना लीजिए और इसे नारियल के बूर कर। अब हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और इसी प्रकार देखते रहिए हमारा कुकेरिया चैनल। आप दिवाली स्पेशल में और भी अधिक डिशे पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।